क्या नजारा स्टॉल में होगा, क्या नजारा बालकनी में होगा, जब थिएटर में मुन्ना बदनाम बजेगा तो माँ कसम थिएटर थिएटर नहीं स्टेडियम बनकर थिएटर में पूरा बवाल बजेगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। थिएटर थिएटर नहीं बनेगा मेरा भाई, अब थिएटर स्टेडियम बनेगा, क्योंकि द मास द मेगा स्टार द किंग ऑफ देम ऑल सलमान खान ने अपना बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड रखा है एंड ही हैज गिवन सलमेनिया हिज बेस्ट नंबर टिल डेट। मैंने आज से 5 दिन पहले जब राधे फिल्म का गाना था सीटी मार, उसका मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया था, उसमें बताया था कि मुन्ना बदनाम फाड़ होगा मेरा भाई। अब मैं एकदम श्योर हूँ जब सीटी मार एडिट होके आपके सामने आएगा ईद से पहले तुम लोग पागल हो जाओगे, लिटरली बोल रहा हूँ। लेकिन मुन्ना बदनाम विल फोर्स द क्राउड, यानी कि जितने भी फैन बॉयज है स्पेशली सलमेनिया के फैन बॉयज छोड़ दो, नॉर्मल ऑडियंस जब सलमान खान का बेल्ट निकलता है एंड वो नाचता है मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, दिस इज मास, दिस इज यूफोरिया, दिस इज क्रेजीनेस, दिस इज स्टारडम ऑफ अ मेगा स्टार इन इंडिया। रजनीकांत से लेके अजीत से लेके चिरंजीवी से लेके सलमान खान, दीज आर आइकन्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जहां पर फैंस इन्हें भगवान समझ के पूछते हैं, यहां पर फैंस स्क्रिप्ट डायलॉग नरेशन देखने नहीं जाते, दे गो टू विटनेस द मेगा स्टार देयर ओन, जिसको उन्होंने खुद गॉड बना दिया है सलमान खान। दिस इज इनक्रेडिबल, दिस इज गोना बी इनक्रेडिबल गाइज। मुन्ना बदनाम इज सलमान खान बेस्ट नंबर एवर। द डांस, द एफर्ट, द मेहनत सलमान भाई हैज डन इन दिस सॉन्ग इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन जो स्टेप सलमान खान ने इस गाने में किया है, स्पेशली जब प्रभु देवा उनको एक डांस फेस ऑफ के लिए चैलेंज करते हैं, सलमान खान टम्बलिंग डाउन एंड एलिवेटिंग हिमसेल्फ अप, द एलिवेशन एंड प्रभु देवा इज लाइक डू मोर, जो एलिवेशन रहता है दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। लिटरली स्पीकिंग गाइज, वैभवी मर्चेंट एंड प्रभु देवा थैंक यू वेरी मच। वो सलमान खान जो कहीं खो गया था उसको वापस खींच कर लाया है आप लोगों ने, बताने के लिए कि ही इज नॉट द वन, ही इज द ओनली वन एंड दिस सॉन्ग प्रूव्स इट ऑल। थिएटर मेरा बाप स्टेडियम बनने वाला है, लिटरली बोल रहा हूँ। स्पेशली कन्नड़ा वर्जन में, बैंगलोर में, तेलुगु में, हैदराबाद में, ओ हो, मुन्ना बदनाम में पब्लिक पागल होगी। गेटी गैलेक्सी तो मनोज देसाई को तो अपने आप को बंद कर देना पड़ेगा, थिएटर में ऐसा पब्लिक भागेगी। दिस सॉन्ग इज गोना बी आइकॉनिक। चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे मुझे बेहतरीन चीज ये लगी कि यहाँ पर जो मूवमेंट्स दिए गए हैं वो काफी न्यू है, काफी फ्रेश है एंड वो ऑडियंस को बहुत देखकर मजा आएंगे। स्पेशली वो स्टेप सलमान खान सुपरमैन जैसे एंट्री मारते हैं और गाते हैं इनोसेंस पहले कहती थी दुनिया, जो लेकर आते हैं उसके जो स्टेप्स दिए गए हैं, आई मीन कोरियोग्राफी इतनी बेहतरीन तरीके से की गई है यहाँ पर कि ऐसा लगता नहीं कि हम लोगों पहले स्टेप्स देखे। तूने बिगाड़ दिया ओ मेरी मुनिया, वो छोका बाण बना के सट बट का जल लगा के, बेहतरीन बाप कोरियोग्राफी की है गाने में। मुझे सच सच बताना कमेंट सेक्शन में, पहले 2 बार आप लोग में से कितने लोगों ने वरीना हुसैन को देखा? मैंने कम से कम 4थी बार में बिग बॉस छोड़ के गाने का रिव्यू करने आया हूँ यहाँ पर, मैंने 4 बार ये गाना देखा है, 4 बार में से बाय गॉड 1 बार भी वरीना हुसैन को मैंने नहीं देखा। 5वीं बार बिफोर आई वाज प्रिपेयरिंग माय रिव्यू मैंने बोला चलो लेट्स सी वरीना हुसैन, शी वाज फैंटास्टिक, शी इज फ्रेश, शी इज यंग, पहला गाना है एज एन आइटम गर्ल, वेरी नाइस। लेकिन मेरा भाई जब आइटम बॉय सलमान हो एंड दूसरा आइटम बॉय प्रभु सर हो तो किसी तीसरे पर नजर कैसी जाएगी मेरे भाई। लेकिन एश्ली रिबेलो, अलवीरा, यू ऑल हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। सलमान खान के जैकेट्स ईद में रेज होगा मेरा भाई, रेज। लेकिन इतना तो राधे आ जाएगी ना, उसके जैकेट्स इससे बड़ा रेज होंगे, उसके चेक शर्ट इससे बड़ा रेज होंगे। लेकिन सीरियसली बोल रहा हूँ, जैकेट्स इन दिस सॉन्ग मुन्ना बदनाम फैंटास्टिक। सलमान खान का ग्रे जैकेट है फैंटास्टिक। लगता ही नहीं कि ये गाना आज से 5-6 महीने पहले महबूब स्टूडियो में शूट हुआ था, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। इतना बेहतरीन कलर मिक्सिंग DI किया गया इस गाने का, फैंटास्टिक। वेल फ्रेंड्स, गाने की शुरुआत होती है सलमान खान ऊपर, एक बहुत बड़ा झूला है उससे नीचे डिसेंड होते हैं, बहुत फैंटास्टिक लगता है देखकर गाइस यहाँ पर। एंड जो सबसे बेस्ट वर्ड्स है बीच बीच में, भौकाल कर दिया, अरे कांड कर दिया, बादशाह के रैप इतने सूट हो रहे गाइस यहाँ पर। एंड तभी आता है द न्यू आइटम बॉय, पीछे बैकग्राउंड डांसर्स है,
उनको जो हैट दिया गया है, जो घाघरा चोली दी गई है, दे आर लुकिंग सिजलिंग। आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, वो गाना आता था, फेविकॉल से, फेविकॉल से नैन हम लड़ाएंगे, बेबी डॉल से लौंड या पटाएंगे, मिस कॉल से। वो गाने पे जो एक्साइटमेंट और बदन में खून की दौड़ान आती थी ना, वो इस गाने में आई मेरी, सीरियसली बोल रहा हूँ। जब सलमान खान ने जो बेल्ट वाला स्टेप किया ना, मुन्ना बदनाम हुआ। लेकिन ये सिर्फ 2.5 मिनट है मेरा भाई, दिस इज जस्ट 2 मिनट 30 सेकेंड। द फुल सॉन्ग इज कमिंग टू यू ऑन 20th of December। एंड गाइस यहाँ पर दो और चीजें बोलना चाहूंगा, भरत डाबोलकर टकला आदमी, करम पिक्चर देखी है, करम पिक्चर में विलन था, बहुत बड़ा, इज अ वेरी रिस्पेक्टेड थिएटर पर्सनालिटी इन मुंबई, ओके वो भी है यहाँ पर। एंड वी हैव नवाब शाह, नवाब शाह यहाँ पर थोड़ा उसका कैरेक्टर वो दिखाया गया है, तुम लोग को नहीं मालूम तो बता देता हूँ, वो हुड़हुड़ दबंग में भी पीछे नाच रहा है एकदम बचके जैसा, यहाँ पर भी है, लेकिन उसका कैरेक्टर में थोड़ा ट्विस्ट है, जब फिल्म देखोगे तब पता चलेगा। तो वो भी गाइज यहाँ पर है। लेकिन गाइज यहाँ पर सबसे बेहतरीन मुझे ये लगा, इनोसेंट से कहती थी कि दुनिया, बॉटल टूटती फाड़, बैकग्राउंड डांसर फाड़। गाँव में होता है ना, जो गाँव में डीजे लगता है, अपने यूपी बिहार साइड में डीजे लगता है ना, वो तरह की फीलिंग आती है, बॉटल टूटती बहुत अच्छा लगता है। लॉन्ग फ्रेम लिया गया है, उसमें दो लड़कियां ऐसा निकलती है, वो स्टेप्स काफी अच्छे लगे मेरे को गाइस यहाँ पर। लेकिन मेरा भाई जब आइटम नंबर 2 आता है, आइटम बॉय प्रभु सर, वो मेरा भाप, क्या डांसर है प्रभु देवा, और सलमान खान के प्रभु देवा की जुगल बनती, ओ हो हो, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा, क्या मेरा ही जलवा जलवा, वो सब आइकॉनिक यादें हैं सब हमारी। एंड दे हैव रिक्रिएटेड दिस इन द मुन्ना बदनाम सॉन्ग। लेकिन गाइज दोनों की जुगलबंदी एंड जिस तरह दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, फैंटास्टिक। लेकिन गाइज यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान इज इन फुल एलिमेंट, बहुत स्पीड में नाच डांस कर रहे हैं, जरा भी ऐसा नहीं लगता कि ही इज नॉट लुकिंग बैड एस, लुकिंग कम्प्लीटली बैड एस, थिएटर पागल हो जाएगा। बाय वर्सेस प्रभु देवा, एस्पेशली द चिरंजीवी वीना स्टेप, वो आपको थिएटर में देखने मिलेगा, फुल सॉन्ग इन द थिएटर 20th December 2019। गाना रिवाइंड हुआ, बैडेस गाइस, आई एम आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है मेरे इग्नोर करो आज, ओके गाना जाके देखो। मी आवर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। बिग बॉस का रिव्यू थोड़ा लेट होगा, इंतजार करना।